बिहार में बीएड पास शिक्षक अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है। बड़ी जानकारी तक पहुंचा रहे, 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का यह मामला है। सुप्रीम कोर्ट से शिक्षकों को फिलहाल राहत नहीं मिली है। बता दें आपको कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे बेंच को ट्रांसफर कर दी है। मामले में बिहार सरकार ने अपनी अर्जी वापस ली है, दूसरी याचिका दाखिल करेंगे। बिहार सरकार का ये कहना है याचिका में बदलाव करेगी बिहार सरकार। बीपीएससी ने यह फैसला लिया था, बीएड पास नहीं बन पाएंगे प्राइमरी टीचर। फैसले के बाद कैंडिडेट्स के रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। तो बड़ी जानकारी, बिहार में बीएड पास शिक्षक अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिल पा रही है। 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का यह मामला है। सुप्रीम कोर्ट से शिक्षकों को फिलहाल राहत नहीं है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने अब दूसरे बेंच को ट्रांसफर कर दी है। मामले में बिहार सरकार ने अपनी अर्जी वापस ले ली। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता अवनीश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, देखिए बीएड पास शिक्षक अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिल पा रही है, सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला है अब दूसरे बेंच को ट्रांसफर कर दी गई है, पूरी जानकारी दीजिए विस्तार से। देखिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी उस याचिका को वापस ले लिया, जिसमें इस साल प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति की जो भर्ती प्रक्रिया बीएड डिग्री धारकों को भी शामिल करने की जिसमें मांग की गई थी। आज ये मामला जस्टिस बोपन्ना की जो अध्यक्षता वाली बेंच थी उनके सामने लगा था। जस्टिस बोपन्ना ने कहा कि वो इस मामले को चीफ जस्टिस के सामने भेजेंगे ताकि इस केस को दूसरी बेंच के सामने भेजा जा सके। उसकी वजह ये बताई गई कि जस्टिस अनिरुद्ध की जो बेंच है वो 2018 के उस नोटिफिकेशन को उसने रद्द कर दिया था, क्योंकि वो बेंच इस मामले की पहले से सुनवाई करती रही है। तो इसलिए जस्टिस बोपन्ना ने आज इस मामले को ट्रांसफर करा चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष, ताकि जस्टिस अनिरुद्ध की बेंच इस मामले को आगे सुने। इस बीच बिहार सरकार ने भी अपनी याचिका को वापस ले लिया, ये कहते हुए कि वो इस याचिका को अपडेट करके दोबारा से दाखिल करेंगे। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि फिलहाल राहत नहीं है, लेकिन अभी उनकी उम्मीद भी नहीं टूटी है। मामले में आगे विस्तृत सुनवाई होगी, बिहार सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल करेगी। इस बार वो क्या ग्राउंड लेगी, उनको किस तरह के आधार हैं जिसको वो शामिल करना चाहती है, देखने वाली बात रहेगी। और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जब चीफ जस्टिस की बेंच इस मैटर को अगली बेंच के लिए रेफर करेगी, तो उस बेंच के समक्ष इस मामले की फिर से नए सिरे से सुनवाई होगी। बिल्कुल, देखिए अवनीश, अब तो दूसरी याचिका दाखिल करने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में क्या अब नई दलील दी जाएगी? देखिए बिहार सरकार की लगातार ये बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए अवनीश।